मिशन के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हमको सबको मिल करके अपना शहर अपना प्रदेश साफ सुथरा रखना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और शहर की स्वच्छता से शहर का भी और प्रदेश का भी नाम होता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन को बहुत सराहा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ त्रिपुरा में आने वाले हैं और त्रिपुरा को उन्होंने बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए हैं। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे त्रिपुरा में सफाई अभियान हम लोग चलाएंगे, प्रधानमंत्री के आने से पहले भी और बाद में भी। इसलिए सारे हमारे काउंसलर, हमारे मेयर, सभी कार्यकर्ता मिल करके हम लोग सफाई अभियान में लगे हुए हैं। एक एक सड़क, एक एक गली, मार्केट, सब जगहों पर जा करके हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड के दौरान सेवा भाव से काम किए, आज स्वच्छता मिशन में लगे हुए हैं। हम केवल संगठन ही नहीं करते हैं बल्कि हम समाज के साथ मिल करके देश और प्रदेश को बनाने का भी काम करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने लिया है और उसी के तहत मैं यहाँ पर खड़े होकर के आज स्वच्छता अभियान में खुद सहभागिता कर रहा हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको पैर धुले, आप सबने देखा होगा कि कुंभ के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री देश का प्रधान सेवक आकर के हमारे सफाई कर्मचारियों का पैर धुलता है और जिन कर्मचारियों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को बनाया उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने सब तय किया कि सफाई कर्मचारी भी हमारे भाई हैं और हमारा सबका दायित्व बनता है कि हमारा शहर स्वच्छ रहे, हमारा प्रदेश स्वच्छ रहे, किसी प्रकार से कहीं कोई गंदगी ना हो, न गंदगी करेंगे न करने देंगे, पूरी तरीके से स्वच्छता के अभियान में सम्मिलित होकर के हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाएंगे और अपनी त्रिपुरा को नंबर एक का स्वच्छ प्रदेश के रूप में स्थापित करेंगे। और इसीलिए हमारे आदरणीय मेयर साहब, हमारे सभी काउंसलर, हमारे यहाँ के अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर के इस सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.